हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेजेबल थिंग। हम इस वीडियो में वीडियोकॉन D2H के नए सेटअप बॉक्स को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो नया सेटअप बॉक्स है वो कैसा दिखने में लगता है। फर्स्ट में ये देख लेते हैं, इसका ये ऑडियो वीडियो केबल है जो 3-to-1 है। ये देखिए नए में एसी केबल आ रही है, एक तरफ की पिन एसी दिख रही है और दूसरी तरफ की जो पहले दिखती थी वैसी है, 3 कलर की। इसका रिमोट देख लेते हैं, रिमोट भी पहले जैसा ही दिख रहा है। और इसके साथ ये इसके कुछ एक्सेसरीज आई है, जैसे कि ये कनेक्टर हो गया, ये बेल्ट हो गई, सेल हो गया, ये सब इसके साथ फ्री आया है। और इसके चार्जर को देख लेते हैं, जो इसका अडाप्टर है ये देखिए पहले से काफ़ी छोटा हो गया है। देखिए हाथ में रख के दिखाता हूँ, ये देखिए ये 12 वोल्ट का जो अडाप्टर है वो पहले बड़ा आता था, अब इतना छोटा हो चुका है। देखिए काफ़ी इसको छोटा कर दिया है उन लोगों ने। इसकी पिन, ये वाली पिन आ रही है इसकी, ये देखिए। चलिए इसको रख देते हैं और फाइनली इसके सेटअप बॉक्स को देखते हैं। ये देखिए कितना छोटा सेटअप बॉक्स बना दिया है इन लोगों ने, काफ़ी छोटा, काफ़ी स्लिम दिख रहा है। एयरटेल का जो सेटअप बॉक्स आया था कुछ दिन पहले वैसा ही लगभग दिख रहा है। ये इसके पीछे HDMI पोर्ट लगाने का है, HDMI और ये अडाप्टर की सॉकेट लगाने का है और रेडियो वीडियो पिन और कोएक्सियल केबल लगाने का है। जैसा कि आप देख रहे हो ये काफ़ी छोटा हो गया है, पहले बड़े बड़े सेटअप बॉक्स आते थे बीच में और छोटा हुआ था, अब तो बिल्कुल ही छोटा कर दिया है। देखिए काफ़ी स्लिम दिखाई दे रहा है और ये इसके बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई है जो कि कोई नहीं पढ़ता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा क्योंकि आप मेरे वीडियोज़ का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।